Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों 2022 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है और इसको लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है, लेकिन आजकल सबसे ज्यादा जो सुर्खियां बटोर रही हैं वो कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी हैं। जी हाँ, बात करें तो प्रियंका गांधी वाड्रा कल जिस तरीके से बाराबंकी में पहुंची थी, वहां पर महिलाओं से मिली, किसानों से मिली और उस समय महिलाओं से बैठकर उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की, जिसके बाद महिलाओं भी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आई और प्रियंका गांधी को वाड्रा को लगातार कई सारी चीज़ें खिलाती नज़र आई। जी हाँ, बात करें तो बाराबंकी में प्रियंका गांधी ने खेतों में काम कर रहे महिलाओं से मुलाकात की। इस दौरान प्रियंका ने महिलाओं को कांग्रेस की योजनाओं के बारे में बताया। प्रियंका ने कहा कि मैं इन महिलाओं के समस्याओं को जानने के लिए इनसे मुलाकात करने आए। इतना ही नहीं, महिलाओं के साथ प्रियंका गांधी ने खाना भी खाया। प्रियंका ने आलू के पराठे और गुड़ और सलाद खाई। किस तरीके से प्रियंका गांधी महिलाओं से मुलाकात करके उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश कर रही है और किस तरीके से प्रियंका गांधी के साथ महिलाएं खुश नजर आ रही हैं, आप इस वीडियो में देख लीजिए। हम नंबर दे सकते हैं, लड़की भी बोला दीदी। ठीक है, हमारी लड़की तो अपने मन पसंद शादी कर ली, हमने ऑफर में जगह थोड़ी दे दिया है, उसी में रहती, सारा तालाब में बूढ़ गया है। तब कहती कहाँ से दिखाओ प्रूफ, अब प्रूफ इतना बड़ा बच्चा हो गया है, उस वो क्यों कहीं रहने की जगह होने चाहिए। तो हमने सरकारी जगह में सबने कब्जा किया था, हमने उसमें कब्जा करा दिया। हम थोड़ा सा गोबर पास रहे थे, उसी में हमने कब्जा करा दिया। और लड़का वो मां सरकारी स्कूल में पढ़ा है, वो पाँचवें आठवें में अच्छा पढ़ रहा है। वो देखो महिला बैठी है, और उसको गांव भी परेशान करता है। और उसके बाद में सब कहते शादी नहीं किया, उसने कहा हम शादी भी नहीं करेंगे। इसको बताना है कैसे की है, दो बच्चा तो है दीदी, जैसे बच्चा तो ग्रुप वही जाने पढ़ता है, कुछ नहीं देते हैं। शादी की है तो बारिश सारा पैसे दूसरे के घर में रही है, इतनी समय पल्ली टांग के रह रहे हैं। बीच पर बैठा पानी ना ना पानी कहाँ ना रे ना ना खा लो कितना खिलाओगी गुड़
सत्कार हो रहा है और जिस तरह से बातचीत करी, वार्ता करी और चेहरों पर मुस्कान, किसान महिलाएं भी चेहरों पर मुस्कान आप देख सकते हैं कि किस तरह आनंद और खुशी का माहौल यहां मौजूद है और लगातार प्रेमी गांधी भाई को चुनी हुई है अपने। प्रियंका जी, प्रियंका जी कैसे, क्या हुआ यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य नहीं, मैं समझना चाह रही थी कि समस्याएं क्या है, इनका जीवन कैसा है, क्या करती हैं, क्या समस्याएं हैं, किन परिस्थितियों में काम कर रही हैं, कैसे अपनी अपनी बेटियों को बड़ा कैसे कर रही हैं, पढ़ा पा रही हूँ। आप गिरी हुई लगातार। मैंने भाई ने कहा है तुम मोटी हो रही हो, कम खाओ। माइक पीछे करो, माइक पीछे करो, माइक पीछे करो। सब जमे एकदम से छोड़ो। प्रियंका जी, महिलाओं ने आज तक हमारी ले लिया है, अब आप बताइए कैसा लग रहा है आपको? ये माइक भी लेंगी, सत्ता भी लेंगी और फिर आप सब देखो माइक तो आगे कर दे, क्या अपने प्रदेश को बदलेंगे? माइक आप ले लीजिए लगा दे दीदी को, लगा दीजिए अम्मा। माइक ला दी अम्मा जी, माइक दे दो अम्मा, दे दे माइक उठा दो मेरा माइक। प्रियंका जी, आपने ऐसा भोजन कभी किया था इससे पहले? ये दोनों उधर, ये सब ऐसा भोजन है इनके साथ भोजन? इस तरह का भोजन ये बिल्कुल ले मैन का। अरे बेसन की रोटी तो मेरे घर में भी बनती है। मुँह में कहा है भैया, मुँह पे क्या डालते हैं? प्रियंका जी, ये जो महिलाएं मोहब्बत दिखा रही हैं चुनाव में, भी ये मोहब्बत दिखेगी वोट के रूप में? क्यों नहीं दिखेगी? मोहब्बत मोहब्बत होती है, क्वांटिफाई नहीं किया जाता। भाषण देना है ना, चलो अब मैं चलो, थैंक यू, धन्यवाद, मुझे थोड़ा पानी प्लीज बयान का खराब मत करो, यही रुक जाइए। रुक जाओ, आप क्या दिक्कत है? आप तो ठीक है, अभी रोक लेंगे तो भैया के पास।
हमने अपनी पार्टी की तरफ से हम प्रतिज्ञा करने जा रहे हैं, हमारी सरकार आएगी तो क्या, तो उसमें किसानों के लिए भी है, बड़ी बड़ी बिजली बिल मिलती है उसके लिए भी है, तो जाके सुनिए, टीवी पे देखिए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे जो गेहूँ का दाम है, जो आपको धान का दाम है, उसके बारे में सब घोषणा करना चाहते हैं, क्योंकि मदद करना चाहते हैं, आपने बहुत पिछले साल बहुत समस्याएं आई हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.